हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूरज नॉलेज में। फ्रेंड, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ लिया है, रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के पार्ट को पढ़ लिया है। उसके बाद ये दूसरा पार्ट है इंट्रोडक्शन के बाद, ये है एडिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसे कहते हैं हिंदी में यूक्लिड डिवीजन परमेय, विभाजिता का नियम, परमेय है एक प्रकार का। तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या करता है, इसका मेन एम क्या है। इसका मेन एम ये है कि ये दो धनात्मक पूर्णांक ने बताया था, दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं, किस पर, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके मिड पॉइंट पर शून्य होता है, मतलब जीरो होता है, और दाएं साइड पर पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या है, और इस साइड में निगेटिव, इसको कहते हैं नंबर लाइन। ठीक, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, इसका मेन एम क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक का एच सी एफ निकालना। एच सी एफ मतलब इसको हिंदी में कहते हैं मासा। मासा को निकालने की एक तकनीकी है, एक नया तकनीकी है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का मासा निकालते हैं। मासा निकालने की हमें तो कई विधियां पता हैं, लेकिन उसमें ये यूक्लिड डिवीजन मेथड जो है कुछ अलग है। ये एक मेथड है जिसको आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं डिवीज़न वाला जो रूल है, ये वाला डिवीज़न करना सबको आता होगा। तो डिवीज़न करने वाले में हमको सबका नाम पता होना चाहिए। इस वाले का क्या नाम कहते हैं, जिससे भाग करते हैं उसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है, यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसको कहते हैं भाजक, और यहाँ जो अंदर में बैठे रहते हैं उनका नाम है भाज्य, और जो यहाँ पर आता है उसको कहते हैं भागफल, और नीचे जो आता है, नीचे सबसे लास्ट में आकर के क्या आएगा, उसको कहते हैं शेषफल। तो इसी मेथड को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ने, जो ये इनके खोजकर्ता थे, उन्होंने क्या किया, इन्हीं मेथड को हमने इस डिवीजन मेथड से एक फार्मूला तो जानते ही होंगे, इस फार्मूले को भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये हमें तो बेसिक फार्मूला तो हमें पहले से पता हुआ है भाग वाला। इसी फार्मूले को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या बताया गया, इसे भाजक को हम क्या करें, भाजक को ए मान लें, भाजक को बी मान लें, और भाज्य को ए मान लें, और भागफल को क्यू मान लें, क्यू मतलब क्वेशेंट होता है, क्वेशेंट को ही कहते हैं भागफल। शेषफल को रिमाइंडर, इसी रिमाइंडर को स्मॉल आर से डिनोट कर दिए। बस इसी के फार्मूले पर इन सारे मान को जो भी ए बी ए क्यू आर लिया, इन्हीं को इसी पर रख देने पर जो फार्मूला बना, वो फार्मूला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो रख के देखते हैं हम, तो यहाँ पर भाज्य की जगह पर ए है तो ए को रख दिए, भाजक की जगह पर बी है तो बी रख दिए, इंटू भागफल की जगह पर क्यू है तो क्यू रख दिए, प्लस शेषफल की जगह पर रिमाइंडर आर। तो यही जो फार्मूला आया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही क्या है, यही फार्मूला ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का बेसिक फार्मूला है। इसी के द्वारा हमें लैडर के रूप में, मतलब सीढ़ी के रूप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन इसके साथ नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है कि जो यहाँ पर बी का मान है वो हमेशा कम होगा, बराबर होगा ए और आर की। ठीक, ये होता है एल्गोरिथम का बेसिक फार्मूला, बेसिक रूल है ये। ठीक, इसके बाद जीरो के बराबर भी हो सकता है आर, रिमाइंडर जो है। तो इसके बाद आता है क्या, इस वाले फार्मूले में इसके बाद हम जैसे कोई एग्जांपल लें, एग्जांपल के रूप में हमने ले लिया 5 और 35 का, अगर हम पूछें एस सी एफ क्या होगा 5 और 35 का एस सी एफ, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले छोटी वाली संख्या को मान लेते हैं, छोटी वाली संख्या जो बड़ा होगा, पहले दो में देखें कौन सा बड़ा है तो 35 बड़ा है कि छोटा है, जो बड़ा है उसको ए, जो छोटा है उसको बी मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ ए है वहाँ पर 35, इसी फार्मूले पर एल्गोरिथम लगाएंगे, तो ए के जगह पर 35, बी के जगह पर 5। अब 5 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 हो जाए, 5 7 5 35, 7 5 10 35, तो अब प्लस जहाँ आर आता है, आर मतलब रिमाइंडर, वहाँ 0, क्योंकि 7 5 35 का ही है तो ये 0। तो इसका लास्ट में जो ये बी प्राप्त हो, लास्ट वाला बी जो है, यही बी क्या है, यही इसका एच सी एफ है, इसी का क्या है, एच सी एफ है। ठीक,
तो इसी प्रकार से जैसे अभी दूसरा क्वेश्चन कोई ले लें, कोई भी दूसरा क्वेश्चन, जैसे सेवन और किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, 36 ले ले, तो 26 को यहाँ एक ही जगह पर रखेंगे, 7 को यहाँ, 7 3 21 प्लस 0 रिमाइंडर को 0, तो ये बी जो बचा यही बी है, क्या HCF है, यही HCF मतलब 7 जो है यही इसका HCF है। तो इसी फार्मूले का बेसिक रूल यही है, इसी को आप देख सकते हैं।